और हरियाणा की भी, एक ही तो दूरदर्शन केंद्र था यहाँ पर, आप उसको नहीं बचा पाए। तो चौधरी देवीलाल जी बहुत बड़ा नाम रहे हरियाणा का, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पहचान दिलाई हरियाणा को, और उनके नाम पर उनकी स्मृति में शुरू किए गए किसी संस्थान को बंद होने से रोक नहीं पा रहे उनके पड़पोते। सर, आप पार्टी ने आदमपुर में लड़ा, अभी जिला परिषद के इलेक्शन भी हुए, 2024 को लेकर क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी? आम आदमी पार्टी 2024 को लेकर के संकल्पबद्ध है कि हरियाणा के लोगों को भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर मूलभूत सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे, पूर्ण बहुमत की हरियाणा में सरकार बनाएंगे। हम उसके लिए संगठन को लेकर के ज़बरदस्त तरीके से हमारी तैयारियां चल रही हैं, ग्राउंड पे काम चल रहा है। संदीप पाठक जी जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने हरियाणा के पूरे संगठन के साथ कल ही बैठक ली है और इस पर चर्चा हुई है कि कैसे बहुत तेज़ी से ग्रास रूट लेवल तक हम अपना संगठन तैयार कर सकें, और आपकी पाठशाला जैसे ढेरों कार्यक्रम गांव-गांव में चला करके लोगों को जागरूक किया जाए इस चीज़ के प्रति कि कैसे अच्छी शिक्षा जो है वो उनके बच्चों का भविष्य बदल सकती है। हिसार के दूरदर्शन को चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया है, देखिए ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि ये एक सांस्कृतिक केंद्र बन गया था हिसार उस दूरदर्शन केंद्र की वजह से, और वो पहचान है दूरदर्शन केंद्र हिसार की भी और हरियाणा की भी, एक ही तो दूरदर्शन केंद्र था यहाँ पर, आप उसको नहीं बचा पाए। तो मुझे लगता है मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार का पूरी तरह से फेल्योर है कि केंद्र सरकार ऐसा कदम उठा रही है, और केंद्र सरकार का भी देखिए क्या हास्यास्पद तरीका है कि उनके ही पहली पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार सुषमा स्वराज जी आई थी यहाँ पर, वही उद्घाटन करके गई थी, उन्होंने शुरू किया, इन्होंने बंद कर दिया। इधर खट्टर जी कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मूल सेवक हूँ, उनका मूल विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, अपनी पार्टी के शुरू किए गए किसी केंद्र को बंद कर रहे हैं अपनी पार्टी की सरकार के। इधर दूसरी तरफ देखिए क्या कितनी बुरी स्थिति आ गई है कि दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम बने बैठे हैं, अब इतनी पावर बताते हैं मेरे पास है, और उसके बावजूद अपने परदादा की स्मृति में एक जो धरोहर है हरियाणा की, उसको जिसको इस केंद्र को जब शुरू किया गया था तो चौधरी देवीलाल जी बहुत बड़ा नाम रहे हरियाणा का, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पहचान दिलाई हरियाणा को, और उनके नाम पर उनकी स्मृति में शुरू किए गए किसी संस्थान को बंद होने से रोक नहीं पा रहे उनके पड़पोते। तो अपने दादा परदादा के प्रति अपना फर्ज नहीं निभा पा रहे, देश के प्रति या हरियाणा के प्रति क्या निभाएंगे? ये सर अंतिम सवाल, जो आपकी पाठशाला का जो स्कूल आज जैसे शुरू किया गया, तो हरियाणा में और कितनी पाठशालाएं खोली जाएंगी? देखिए आम आदमी पार्टी वचनबद्ध है कि गरीब से गरीब बच्चे को भी बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाएंगे। जब सरकार होती है जिस भी राज्य में, वहाँ हम सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल करके हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुँचाते हैं, लेकिन जब तक सरकार नहीं आती है हरियाणा में 2024 तक, तब तक भी हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, बच्चों को बर्बाद होते नहीं देख सकते। इसलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनिशिएटिव है, उन्होंने कहा कि गाँव के बच्चे हिंदी और अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पा रहे, 130 बच्चों ने आपकी पाठशाला में रजिस्टर कराया है, और जिसमें कि हम इवनिंग क्लासेस लेते हैं, गाँव के पढ़े लिखे बच्चों को एंगेज करते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनर्स प्रोवाइड कराते हैं, और 130 बच्चों में से आपको आश्चर्य होगा जान के सिर्फ 4 बच्चे ऐसे हैं जो अपने लेवल की हिंदी या अंग्रेजी पढ़ पा रहे हैं अपनी क्लास की। 70 बच्चे तीसरी से छठी क्लास के हैं, एक भी बच्चा उनमें से ना ABCD पढ़ पा रहा है, ना क ख ग घ पढ़ पा रहा है, ना लिख पा रहा है। तो ऐसी स्थिति अगर बच्चों की है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होते नहीं देख सकते। जहां हमारे अंदर जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी काबिलियत है, जितने हमारे वॉलंटियर्स की कुव्वत है, वो उसी हिसाब से जगह जगह पर कोशिश कर रहे हैं, ऐसे इनिशिएटिव हम जहां पॉसिबल होगा शुरू करेंगे, और सरकार आने के बाद इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तो लोगों को सिर्फ ये बता रहे हैं कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था क्या होती है, जब सरकार आएगी तो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर सरकारी स्कूल बना के दिखाएंगे, लोगों के बच्चे जो उसमें पढ़ के देश का नाम रोशन करेंगे, देश को विकसित बनाएंगे। जी ये थे अनुराग डाडा, इन्होंने यही बताया कि ग्रामीण प्रवेश में जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पाठशालाएं खोली जाएगी, हरियाणा भर में खोली जाएगी जहां जरूरत होगी। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक।